अगर आप इंजीनियरिंग के ऑप्शंस देख रहे हैं तो आपको इंजीनियरिंग की इस ब्रांच को जरूर जानना चाहिए। ये इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्वर्स और टेक्नोलॉजी पसंद करने वाले लोगों को काफी पसंद आएगी। हेलो एंड वेलकम बैक टू करियर टॉक सीरीज बाय माँ फाउंडेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। यूथ के लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग हमेशा से ही टॉप इन डिमांड करियर चॉइस रहा है, क्योंकि इस फील्ड में कई स्पेशलाइजेशंस हैं, इसीलिए कंप्यूटर इंजीनियर्स के लिए करियर के कई रास्ते खुल जाते हैं। नेचर ऑफ वर्क। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में हम डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर प्रोसेसेस के इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का मैनेजमेंट सीखते हैं। कंप्यूटर साइंस के रीसेंट ट्रेंड्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जैसी टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। इसके अलावा वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, यूआई यूएक्स डिज़ाइन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे टेक्नोलॉजीज हम आज के टाइम में देख रहे हैं। कंप्यूटर इंजीनियर बनने के लिए आपको 12 पीसीएम साइंस के साथ करना होगा, उसके बाद JEE एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके BE या BTEC का कोर्स करना होगा, जो कि 4 ईयर्स का बैचलर्स कोर्स है। और आप जिस स्टेट में हैं उसका एंट्रेंस भी आपको क्लियर करना है, जैसे अगर आप गुजरात में हैं तो गुड सेट और महाराष्ट्र में हैं तो महाराष्ट्र सेट। इंडिया में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस डिफरेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिग्रीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये सारे कोर्सेज में कोर सब्जेक्ट सेम होते हैं, बस इनमें कुछ सब्जेक्ट्स थोड़े बहुत चेंज होते हैं। इसके अलावा आप 10th के बाद 3 ईयर्स का डिप्लोमा भी कर सकते हैं। और अगर आप डिग्री करना चाहें तो आप डिप्लोमा के बाद D2D यानी डिप्लोमा टू डिग्री कर सकते हैं, जो कि 3 ईयर्स का है। वॉट टू लर्न। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो है मैथमेटिक्स, एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्क, फॉर्मल सिस्टम एंड ऑटोमेटा, कंप्यूटर ग्राफिक्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड लॉजिक डिज़ाइन। यहाँ आपको एक्सपीरियंस इंडस्ट्री प्रोफेशनल के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटीज मिलती है, और आपको इस फील्ड का आइडिया भी आ जाता है कि कॉर्पोरेट में जब आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करोगे तो इस इंडस्ट्री में काम कैसे करना है। एक्चुअली यहाँ आपको इंडस्ट्री के रियल वर्क एक्सपीरियंस का नॉलेज मिलता है। आपने जो टेक्निकल नॉलेज कोर्स में गेन किया है उसे आप प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे, ताकि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का न्यू टेक्नोलॉजीज की हेल्प से सोल्यूशन मिल सके। कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को लेकर जो मिथ है वो है दैट दे कैन बी अ गुड कोडर। कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते वक्त आपको कोडिंग या प्रोग्रामिंग सीखने के कई प्लेटफॉर्म्स तो मिलेंगे, लेकिन कंप्यूटर इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ कोडिंग करना नहीं है। प्रोफेशनल कोडिंग करने के लिए आपके रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए। नीडेड स्किल्स। इस फील्ड में जाने के लिए आपका साइंस और मैथमेटिक्स का फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। नंबर 1, एनालिटिकल स्किल्स। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर का काम टेक्निकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको फिक्स करना है, और उसके लिए स्ट्रांग एनालिटिकल स्किल्स की जरूरत होती है, ताकि प्रॉब्लम को समझकर डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उसका सलूशन निकाला जा सके। नंबर 2, टीम वर्क। कंप्यूटर इंजीनियर्स टेक प्रोफेशनल्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की टीम के साथ काम करते हैं, तो आप में टीम वर्क स्पिरिट होनी जरूरी है। नंबर 3, अपस्किलिंग। आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, आपके अपस्किलिंग IT स्किल्स आपको मल्टी टैलेंटेड एम्प्लॉय बना देंगी। ये स्किल आपको अपने कॉम्पिटिटर्स की भीड़ से आपको अलग रखेगी। कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के कुछ प्रोज है तो कुछ कॉन्स भी हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं प्रोज की। IT सेक्टर आज एक इम्पोर्टेंट सेक्टर बन गया है। वेरियस सेक्टर्स में आपको आपके सर्टिफिकेशंस और स्किल्स के अकॉर्डिंग कुछ कंपनीज में शुरुआत से ही अच्छी सैलरी मिल सकती है। इंडियन IT सेक्टर ऐसा ब्राइटेस्ट सेक्टर है जो लास्ट कुछ ईयर्स में डेवलप हुआ है। IT इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है, जिससे रेवेन्यू की भी अच्छी ग्रोथ हुई है। इस सेक्टर में आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप वर्क फ्रॉम होम या रिमोट वर्किंग भी कर सकते हैं। इस तरह एम्प्लॉयज टाइम सेव कर सकते हैं, स्पेशली इन मेट्रो सिटीज, बट यहाँ आपको 100% वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलता। तो अब बात करते हैं कॉन्स की। लंबे समय तक कंप्यूटर के सामने बैठना आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे बैक पेन, स्टिफनेस, ड्राई आईज, आई स्ट्रेन, ब्लड विजन और ओबेसिटी। ज़्यादातर IT जॉब्स डेडलाइन ड्रिवन होते हैं,
डेवलपर्स पर हमेशा प्रेशर होता है कि वो कोड को टाइम और डेट तक डिलीवर करें। सो अगर आप इस फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आपको डेडलाइंस का ध्यान रखते हुए दिन रात काम करने के लिए तैयार रहना होगा ताकि प्रोजेक्ट कंप्लीशन में इश्यूज ना आए। जॉब अपॉर्चुनिटीज। कंप्यूटर इंजीनियर्स को किसी भी फील्ड में जॉब मिल सकती है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग, ट्रेडिंग, फाइनेंस, साइंस, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और गवर्नमेंट सेक्टर। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, न्यू टेक्नोलॉजीज और हार्डवेयर सिस्टम्स के सर्टिफिकेशन कोर्स से आपको एडवांस जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है। आईटी कंपनी के प्रोजेक्ट्स जो इन सेक्टर्स में हैं उनमें भी आप काम कर सकते हैं। तो चलिए अब इस फील्ड के कुछ जॉब रोल्स देखते हैं। नंबर वन, वेब डेवलपर। वेब डेवलपर वेबसाइट्स और वेबसाइट एप्लीकेशंस को यूजर फ्रेंडली डिजाइन करते हैं, उसमें सिक्योरिटी मेजर्स भी डालते हैं। नंबर टू, आईटी कंसल्टेंट। आईटी कंसल्टेंट क्लाइंट्स के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने बिजनेस गोल्स को अचीव करते हैं। नंबर थ्री, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कंपनी के डेटाबेस को मेंटेन करते हैं, वो डेटाबेस सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, स्टेबिलिटी एंड सिस्टम अवेलेबिलिटी का ध्यान रखते हैं। नंबर फोर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को ठीक से चलाना। ये काम वो प्लानिंग, डेवलपिंग, इंस्टॉलिंग, कॉन्फिगरिंग, मेंटेनिंग, सपोर्टिंग और सारे नेटवर्क हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज करके एंड कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू करते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर इस सेक्टर के मेजर नेशनल प्लेयर्स देख सकते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर इस सेक्टर के मेजर इंटरनेशनल प्लेयर्स देख सकते हैं। तो चलिए पूरे वीडियो को कंक्लूड करते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रॉड फील्ड है जिसमें कई करियर पाथ्स अवेलेबल हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपके करियर गोल के लिए कौन सा करियर पाथ सही है। अभी हमने कंप्यूटर इंजीनियरिंग को लेकर काफी कुछ जाना। आने वाले दिनों में भी आपको इस फील्ड के कई वीडियोस हमारे लिंक पर देखने मिलेंगे। फ्यूचर में आप हमारे वीडियोस के थ्रू न्यू एज कंप्यूटर करियर के बारे में जानेंगे, मतलब आपको यहाँ कंप्यूटर फील्ड के और कई स्पेशलाइजेशन से लिंक्ड वीडियोस देखने मिल सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विजिट अवर वेबसाइट, लिंक ऑफ विच इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन एंड डू चेक अवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।